is our first lecture on Maxima software, and today we will discuss some basic concept of Maxima software, like how to write simple expression in Maxima software, then discuss square root of a number and some inbuilt constant, and then at last we will discuss how to assign value to a variable and some function related to this. So let's start Maxima software. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैक्सिमा सॉफ्टवेयर होता क्या है. एक्चुअली इट इज अ कंप्यूटर अलजेब्राइक सिस्टम यूज्ड फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ सिंबॉलिक एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करेगा आपको, इंटीग्रेशन, टेलर सीरीज, लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम मैक्सिमा सॉफ्टवेयर से, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, सेट, लीस्ट, वेक्टर्स, मैट्रिसेस में जितनी भी वैल्यूज होती है मैट्रिसेस उसको सॉल्व करना, मतलब लाइक आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, हम ये सब इसकी हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली विथ मोर एक्यूरेशन. सो दिस इज योर मैक्सिमा सॉफ्टवेयर. हम स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन से. हमें तो सपोज आपको 2 एंड 5 को ऐड करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? 2 एंड 5 आप यहाँ 2 प्लस आप लिखोगे 2 प्लस 5, और 2 प्लस 5 यहाँ आपका होगा इनपुट. तो जस्ट सिंपली एंटर 2 देन प्लस 5. जो भी इनपुट होगा मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में हम उसके बाद यूज करेंगे सेमी कॉलन का. तो यहाँ अब आपको लगाना है सेमी कॉलन. अभी हमारा इनपुट है 2 प्लस 5, ये आपका इनपुट है. अगर आपको इसका आउटपुट चाहिए तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर बटन. तो ये आपको इसका मिल जाएगा आउटपुट, दैट इज 7. तो यहाँ फर्स्ट लाइन में देखिए आपके पास लिखा है परसेंट आई 1, दैट मीन्स आपने इनपुट दिया है फर्स्ट लाइन में. और नेक्स्ट लाइन में देखिए सेकंड लाइन में क्या लिखा है, परसेंट ओ आई, इसका मतलब है ये आउटपुट है किसका, जो आपने इनपुट दिया था फर्स्ट लाइन में. तो यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को, और ये परसेंट ओ रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को. और जब आपके पास बाद है 1 में जो 1 लिखा है दैट इज इनपुट इन लाइन 1, एंड यहाँ 1 जो आपका लिखा है दैट मीन्स आउटपुट ऑफ लाइन 1. ये था अगर आपको दो नंबर को ऐड करना है. अगर हमें दो नंबर को डिवाइड करना है, तो सपोज आपको डिवाइड करना है 25 बाय 50, तो हम क्या करेंगे, 25 आप टाइप कर दीजिए 25. डिवाइड के लिए आप यूज करोगे इस सिंबल का. 50 से डिवाइड करना है तो यहाँ कर देंगे 50. तो ये आपका इनपुट है, तो इसके लिए आप यहाँ पर लगाओगे सेमी कॉलन. उसके बाद आपको शिफ्ट क्रीक को प्रेस करके रखना है, और उसके साथ ही आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है. तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय 2. सेम देखिए यहाँ भी आया परसेंट आई 2, दैट मीन्स इनपुट इन लाइन 2, और आपके पास यहाँ परसेंट ओ 2, दैट मीन्स आउटपुट ऑफ लाइन 2, एंड दैट इज 1 बाय 2. अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करेंगे यहां पर स्टार. सो सपोज आपको 2 एंड 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यूज करोगे 2, सिंपली एंटर 2, एंड देन आपको लिखना है यहां पर स्टार, और यहां पर आप फिर लिखोगे 5. इनपुट है तो इसलिए आप यूज करोगे सेमी कॉलन का, एंड देन जस्ट सिंपली होल्ड द शिफ्ट की एंड एंटर प्रेस बटन. तो ये आपके पास आ जाएगा 10. अगर हम यहाँ क्रॉस यूज करेंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, हमें यहाँ पे यूज करना है स्टार, अदरवाइज आपका सिंटेक्स एरर आ जाएगा. तो आपको यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए स्टार ही यूज करना है. और ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन के लिए तो हमें सिंबल पता है, जैसे एडिशन के लिए पता है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही यूज होगा. सपोज 30 में से आपको माइनस करना है 14, तो 30 माइनस 14, माइनस का ये सिंबल है यहाँ पर भी, देन जस्ट पुट सेमी कॉलन, और उसके बाद आपको होल्ड करना है शिफ्ट की को और एंटर को प्रेस कर देना है. तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगा, जो आपने फोर्थ लाइन में इनपुट दिया था इसका आपको आउटपुट मिल गया है 16. अगर सपोज अब आपको कैलकुलेट करना है 2 की पावर 5, तो पावर वाले के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर 5 चाहिए, तो उसको लिखेंगे कैसे हम, 2. पावर के लिए आप यूज करोगे कैरेट सिंबल का, 2 पावर, ये पावर का सिंबल है आपके पास, एंड देन आपको लिख देना है 5. तो 2 की पावर 5 ये आपका इनपुट है, तो इनपुट के बाद आप लगाओगे सेमी कॉलन. उसके बाद आपको शिफ्ट की को होल्ड करके रखना है, और आपको एंटर बटन को प्रेस कर देना है. तो ये आ गया 32. तो जब भी आपको किसी टर्म को पावर में लिखना है, तो इस कैरेट सिंबल का यूज करेंगे हम. सपोज आपको 2 मल्टीप्लाई x कैलकुलेट करना है. अभी x हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे.
हमें 2 × x कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 2 और x साथ में लिख देना आपको, 2 × मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करेंगे, आपको क्या इनपुट देना है 2 एंड देन यूज स्टार x, तो आपको स्टार का यूज करना है यहाँ पर, आप साथ में सिर्फ अगर आप सिर्फ ऐसे टाइप कर देते 2 और फिर x, तो उसके बाद अगर आप देखिए सिर्फ 2 और x ऐसे लिखोगे और आपने लगाया सेमी कॉलन, उसके बाद हमें क्या करना है इनपुट है तो आप क्या करोगे प्रेस, आपको शिफ्ट की को होल्ड करके रखना और एंटर को प्रेस कर देना है, तो देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा सिंटेक्स एरर, ये आपको शो करेगा कि यहां पर है सिंटेक्स एरर, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हमें यूज करना था, मल्टीप्लाई करना है तो हमें यहां पर स्टार यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको शो करेगा कि यहां पर सिंटेक्स एरर है। सो परसेंट आई डिनोट कर रहा है इनपुट को, परसेंट ओ का मतलब है आउटपुट, जब आपके पास लिखा है परसेंट आई वन दैट मीन्स इनपुट गिवन इन फर्स्ट लाइन एंड परसेंट ओ वन आपके पास आ रहा है तो यहां पर इसका मतलब है आउटपुट ऑफ इनपुट गिवन इन फर्स्ट लाइन। अब अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम यूज करेंगे इस सिंबल का, दैट मीन्स अगर आप इनपुट दे रहे हो किसी दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन तो आप दोगे 2 * 5 और फिर यूज करोगे सेमीकॉलन का, हम ऐसे नहीं लिखेंगे 2 × 5, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपके पास सिंटेक्स एरर आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमें 2 की पावर 5 लिखनी है कि अगर हम यूज करना चाहते हैं 2 की पावर 5 तो हम यूज करेंगे कैरेट सिंबल का 2 * 5, तो इस चीज का मतलब है 2 की पावर 5 और 2 × 5 को आप ऐसे डिनोट करेंगे, 2 की पावर 5 को हम ऐसे डिनोट करेंगे और एंड में हम यूज करेंगे, कैसे आएंगे आपके पास। नेक्स्ट इफ वी हैव टू कैलकुलेट स्क्वेयर रूट ऑफ अ सम नंबर, सपोज आपको स्क्वेयर रूट कैलकुलेट करना है √9 का, अगर आपको स्क्वेयर रूट चाहिए तो आप यहाँ क्या इनपुट करोगे SQRT एंड देन आप यहाँ लिखोगे 9 एंड देन हम लास्ट में यूज करेंगे सेमीकोलन। सपोज ये आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है तो जैसे ही आप एंटर एंड शिफ्ट एक साथ प्रेस करोगे तो %i1 यहां पर आपके पास लिखा आएगा SQRT 9 देन सेमीकोलन जो हमने इनपुट किया था, इसका आउटपुट आपके पास आ जाएगा 3। तो अगर आपको स्क्वेयर रूट किसी भी नंबर का हमें कैलकुलेट करना है तो हम यूज करेंगे इस फंक्शन का SQRT और आपको जिस नंबर का यहां कैलकुलेट करना है वो नंबर आप यहां पर मेंशन कर दोगे एंड एंड में हम पुट कर देंगे सेमीकोलन, तो आपके पास स्क्वेयर रूट आ जाएगा किसी भी नंबर का। लेट्स डू दिस ऑन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर। सो फॉर स्क्वेयर रूट जस्ट सिंपली टाइप SQRT एंड देन ब्रैकेट, तो जिस भी नंबर का आपको कैलकुलेट करना है वो हम नंबर यहां पर लिख देते हैं। सपोज हमें कैलकुलेट करना है 25 का तो हमें इनपुट दे रहे हैं इसलिए इसके एंड में यूज करेंगे हम सेमी कॉलन, देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर बटन, तो ये आपको इसको मिल जाएगा आउटपुट 5। हमें पता है 25 का स्क्वेयर रूट क्या होता है 5। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाइप करते हैं SQRT जो भी आपको नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट में हम वो नंबर मेंशन करेंगे। सपोज हमें कैलकुलेट करना है 99 का तो हमें इनपुट दे रहे हैं इसलिए आप क्या करोगे सेमी कॉलम एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर बटन, तो ये आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा 3√11। तो इसलिए इस वे से आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर रूट कैलकुलेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट अगर हमें रूट, सपोज ये जो आपने रूट कैलकुलेट किया आपको इन्हीं को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे सिंपली आप टाइप करिए SQRT, कोई और नंबर ले लेते हैं, चलिए SQRT एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट, हमें नंबर लिख लिया 45 एंड आपको ऐड करना है तो यहां पे आप लगाओगे प्लस, जिससे भी आपको ऐड करना है। सपोज हमें ऐड करना है इसमें स्क्वेयर रूट ही ऐड करना, चलिए स्क्वेयर रूट, फिर दूसरे नंबर आप लिखोगे जिसका आपको स्क्वेयर रूट ऐड करना है, सपोज वो है आपके पास 55, तो हमने इनपुट दिया तो इसलिए आप एंड में यूज करोगे सेमी कॉलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपको मिल जाएगा आउटपुट √55 प्लस 3√5। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है रूट में ही आपके पास आ रही है, यहां पर हम पॉइंट में नहीं इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वन मोर एग्जाम्पल, हमने ऐड किया स्क्वेयर रूट ऑफ, अब टाइप करते हैं स्क्वेयर रूट SQRT, आपको SQRT ही यूज करना है क्योंकि ये
फंक्शन है पहले से ही प्रीडिफाइंड, तो हम प्रीडिफाइंड फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते, SQRT ही आप यूज करोगे। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको 49 का कैलकुलेट करना है, 49। अब हमें इसमें ऐड करना है या हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए मल्टीप्लाई के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंबल स्टार। तो हमने स्टार यूज किया है, देन आपको स्क्वेयर रूट हमने ले लिया, स्क्वेयर रूट ऑफ नंबर सपोज हमने ले लिया 99। तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें इनपुट दे रहे हैं तो इसलिए फिर से आप लगाओगे एंड में सेमी कॉलन, सॉरी यहाँ पर आपको इसके एंड में यूज करना है सेमी कॉलन, एंड देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर बटन, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा 21√11। सिमिलरली अगर आपको डिवाइड करना है तो तब भी हम कर सकते हैं, तो आप लिखोगे SQRT जो भी आपका नंबर है, सपोज हमने कैलकुलेट किया 100 का स्क्वेयर रूट और हमने इसको डिवाइड किया है, तो डिवाइड के लिए आप यूज करोगे दिस सिंबल। फिर आपने जो डिवाइड किया वो भी आपके पास स्क्वेयर रूट में, सपोज स्क्वेयर रूट ऑफ हमने नंबर ले लिया यहां पर 64, तो ये इनपुट दे रहे हो तो आप एंड में यूज करोगे सेमी कॉलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपको उसको आउटपुट मिल जाएगा 5/4। नेक्स्ट, अगर हमें कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी है, असाइन करनी है, सपोज आपको प्रोवाइड कराना है कि एक्स की वैल्यू, एक्स को आपको वैल्यू देनी है 1, तो हम इसे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में कैसे लिखेंगे, तो आपके पास इस टाइप से होगा। आप यहां लिखोगे एक्स, यहां जब आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो तो हम यूज करते हैं कॉलन का, कॉलन 1 एंड देन सेमी कॉलन। इस टर्म का मतलब है कि आपने 1 वैल्यू असाइन कर दी है एक्स को, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 1। तो जैसे ही आप ये लिखोगे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आप शिफ्ट और एंटर को एक साथ प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ऐसे परसेंट आई, सपोज फर्स्ट लाइन में हमने लिखा है दिस, एंड देन आउटपुट में आपके पास आउटपुट ऑफ फर्स्ट लाइन ये आ जाएगा 1, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई है 1। सिमिलरली अगर आपके पास कोई वेरिएबल है बी, उसे हमें वैल्यू असाइन करनी है 31, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एंटर बी कॉलन 31 एंड देन सेमी कॉलन, और उसके बाद जैसे ही आप एंटर एंड शिफ्ट एक साथ प्रेस करोगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा परसेंट आई 2, देन बी जो आपने यहां भी इनपुट में दिया था वही सेम वैल्यू आ जाएगी और इसका आउटपुट आपके पास आएगा आउटपुट इक्वल्स टू 31, दैट मीन्स बी की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू हमने 31 असाइन की है। तो इसके बाद अगर आप सपोज इन दोनों को आपको ऐड करना है एक्स और बी को, कि एक्स और बी की वैल्यू को ऐड करना है, तो जस्ट हम क्या करेंगे एक्स प्लस बी देन सेमी कॉलन, तो ये आपके पास आ जाएगा परसेंट आई, तो वो थर्ड लाइन में गया है, जो अभी इनपुट किया पहले तो वो आपको शो होगा एंड उसके बाद यहां पर जो है इसका आउटपुट शो हो जाएगा आपको 1+31 कितना हो जाएगा 32, तो ये आपके पास यहाँ पर 32 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो हमारे पास कोई एक वेरिएबल है सपोज एक्स, हमें उसे कोई वैल्यू असाइन करनी है, हमें लेना है एक्स इक्वल्स टू 15, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सिंपली एंटर करो आप एक्स, यहाँ पर जब किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो हम यूज कर रहे हैं कॉलन का, तो आप कॉलन यूज करोगे और हमने इसको वैल्यू दे दी सपोज 15, तो आप यहाँ उसके बाद यूज करोगे सेमी कॉलन देन सिंपली प्रेस शिफ्ट की होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आ गया 15, दैट मीन्स जो हमने x को वैल्यू दी है वो है 15। तो ये हम कैसे किस लिए यूज कर रहे हैं कि अगर आपको x वेरिएबल को 15 वैल्यू देनी है, मतलब x इक्वल्स टू अगर आप 15 लिख रहे हो तो आप उसको यहां पर ऐसे मेंशन करोगे कि तो इस चीज का मतलब क्या है कि 15 वैल्यू हमने असाइन कर दी है x को, कि x की वैल्यू अब जब भी आप यूज करोगे वो होगी 15। सपोज एक और वेरिएबल हमने ले लिया y, तो सिंपली टाइप y एंड देन यूज कॉलन, जो इसको वैल्यू असाइन करनी है, सपोज हमें इसे वैल्यू असाइन करनी है 20, तो हम 20 लिखेंगे, तो ये इनपुट दे रहे हैं तो हम यूज करेंगे सेमी कॉलन और उसके बाद आपको क्या करना है शिफ्ट की को आप होल्ड करके रखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर जो वेरिएबल वाई है हमने उसको वैल्यू असाइन कर दिया 20, इसका मतलब आप जब भी अब नेक्स्ट अगर आप यही आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो एक्स की जगह जब भी आप एक्स यूज करोगे तो वहां पर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 15 आ जाएगी और वाई यूज करोगे तो उसकी वैल्यू वहां पर 20 आ जाएगी। सपोज एक्स और वाई है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये नहीं लिखेंगे 15 × 20, वी जस्ट राइट एक्स एंड वाई, तो वो अपने आप यहां पर ये प्रोग्राम उनको मल्टीप्लाई कर देगा। तो लिखते हैं एक्स, मल्टीप्लाई के लिए हम यूज कर रहे हैं स्टार देन वाई, और आपके पास इनपुट है तो सेमी कॉलन,
उसके बाद आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखिए एंड सिंपली प्रेस एंटर, तो ये हमें आंसर मिल जाएगा 15 × 20 डायरेक्ट 300। हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, जो आपको इनको करना है, सॉल्व करना है। सपोज इसके बाद हम इन्हें डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, x डिवाइड y, और फिर आप यूज करोगे सेमी कॉलन का और होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आ जाएगा 3/4। सब्ट्रैक्ट कर सकते हो सिमिलरली आप x माइनस देन y, मतलब जो आपने इनको वैल्यू दे दी है, जो आपने इनको वैल्यू असाइन कर दी है 15 और 20, अब जब तक आप ये प्रोग्राम कर रहे हो वही वैल्यू इनको असाइन रहेंगी, अगर आपने वो वैल्यू डिलीट नहीं किया। डिलीट कैसे करना है, मतलब आपको उनको वैल्यू नहीं देनी, आपको चेंज करनी है बाद में, तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं हम। पहले इनके सब्ट्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। इनपुट है तो आप सेमी कॉलन यूज करोगे, होल्ड द शिफ्ट बटन एंड एंटर, तो ये आ जाएगा -5। तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऑब्वियसली आप ऐड भी ऐसे ही कर सकते हो। तो यहां से हमारे पास हमने किस क्या किया है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया, उसके बाद हमने उनको यूज किया है कुछ इक्वेशंस में, कुछ पॉलिनोमियल में हम बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि इक्वल्स टू जीरो नहीं है, मतलब इक्वल क्वालिटी हमने असाइन नहीं की हुई है यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किए, तो ये आपके पास होंगे पॉलिनोमियल। तो हमने पॉलिनोमियल निकाले हैं x इंटू वाई, x डिवाइड बाय वाई और x माइनस वाई, हमने यहां से पॉलिनोमियल कैलकुलेट किया है। पहले हमने x और y को वैल्यू असाइन कर दी थी। सो नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मुझे x की वैल्यू ये यूज नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, आप टाइप करोगे किल KILL और देन आप स्टार्ट करोगे ब्रैकेट, और अगर आप यहां लिख दोगे x उसके बाद सेमी कॉलन आफ्टर द ब्रैकेट वी यूज सेमी कॉलन, तो आप यहां सेमी कॉलन लगाओगे एंड देन होल्ड द शिफ्ट बटन प्रेस एंटर, तो ये यहाँ पर आपके लिखाएगा डन। दैट मीन्स अब x की वैल्यू, हमने x को किल कर दिया, मतलब जो x की वैल्यू उसको असाइन की थी अब वो असाइन नहीं है। तो अगर अब आप x इसके बाद देखते हैं, मतलब x की वैल्यू 15 नहीं है, अब हम चेक करते हैं कि x इंटू अगर आप y करोगे तो क्या आएगा। x इंटू मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करेंगे स्टार y, और आप यूज करोगे उसके बाद सेमी कॉलन देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आ जाएगा 20x। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने x की वैल्यू यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने क्या यहाँ पर यूज कर दिया, फंक्शन किल x, मतलब जो वैल्यू x को असाइन हुई थी वो अब नहीं है असाइंड, अब x एक वेरिएबल हमने ट्रीट किया है। तो यहां पर आप नई वैल्यू x को दे सकते हो, अगर आप दोबारा देना चाहो तो क्या करोगे, x कॉलन, सपोज हम नई वैल्यू देना चाह रहे हैं, सेमी कॉलन या कॉलन यूज करना है, सपोज हम नई वैल्यू देना चाह रहे हैं इसको 3। अब अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जहां भी आप x यूज करोगे तो वो अब आपके पास आ जाएगा 3। तो अगर अब हम x इंटू वाई निकालेंगे, कैलकुलेट करते हैं, x इंटू मतलब स्टार y सेमी कॉलन देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो अब आ गया 60। तो अब हमने जो y की वैल्यू वो 20 ही यूज हुई है, बट x की वैल्यू अब यहाँ पे यूज हुई है 3, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज कर लिया था किल x, जो x को वेरिएबल को वैल्यू असाइन हुई थी वो हमने वहां से रिमूव कर दी थी इस ऑपरेशन का यूज करके, किल ऑपरेशन का यूज करके। सिमिलरली आप y को जो वैल्यू दी है आप वो भी कर सकते हो, उसको भी रिमूव कर सकते हो। तो हम दोनों की वैल्यू एक बार रिमूव कर लेते हैं, x की और y की, क्योंकि अभी x को आपने दोबारा से असाइन कर दी है, तो हम दोनों को वैल्यू को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है किल ऑल। किल ऑल का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल अभी तक आपने यूज किए हैं उनको वैल्यू, जो भी वैल्यू आपने असाइन की है वो वैल्यू रिमूव हो जाएंगी। तो इसके लिए आप यूज करते हो किल ऑल, या तो आप दोबारा से वेरिएबल लिख सकते थे x, y कि उनको आपको किल करना है, या फिर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया किल ऑल, दैट मीन्स आपके पास जितने भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की गई थी वो हमने यहाँ से हटा दी है। देखिए यहाँ पर डन लिखा है, इसका मतलब वो वैल्यू हट चुकी है। तो अब x की वैल्यू ना ही 15 है, ना ही y की वैल्यू 20 है, ना ही x की वैल्यू अब 3 है, दोनों की वैल्यू जो हमने असाइन की थी वो रिमूव हो चुकी है, वो एज अ वेरिएबल ही ट्रीट होंगे। देखिए अब यहाँ पे किल कर चुके हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, x स्टार y एंड देन सेमी कॉलन एंड देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपके पास x इंटू वाई आया। अभी मल्टीप्लाई करके कोई आंसर नहीं आया, एज अ वेरिएबल ही ट्रीट हुए हैं, क्योंकि जो हमने इनको वैल्यू असाइन की थी वो हमने यहां से हटा दी है। सो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इसी को सॉल्व करने के लिए। हमने वेरिएबल ले लिए ए बी सी, ए वेरिएबल है, इसको हम वैल्यू असाइन करें तो आप यूज करोगे कॉलन एंड देन सपोज हमें इसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है 12, तो उसके बाद आप यूज करोगे सेमी कॉलन देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर,
तो आपके पास आ गया 12 की a की वैल्यू यहाँ पर है 12, b आपने वेरिएबल लेना है b, देन कॉलन और इसकी वैल्यू सपोज हम मुझे चाहिए 2, तो उसके बाद यूज करोगे सेमी कॉलन, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर। सी आपके पास वेरिएबल है उसको भी आपको वैल्यू देनी है, सपोज सी वेरिएबल है हमने उसे वैल्यू देनी है, असाइन करनी है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो यूज करेंगे कॉलन, वैल्यू है सपोज इसकी 15 एंड देन सेमी कॉलन एंड होल्ड द शिफ्ट की एंड जस्ट प्रेस एंटर, तो ये हो गया 15। उसके बाद हमें एबीसी का जब भी यूज करूंगी ए की वैल्यू 12 यूज होगी, बी की वैल्यू 2 यूज होगी और सी की वैल्यू 15 यूज होगी। और अगर मुझे बीच में कहीं चाहिए कि मुझे ये वैल्यूज को साइन नहीं करनी, मुझे उसको कुछ और वैल्यू साइन करनी है, तो हम यूज करेंगे किल, और जो भी वेरिएबल आपको नहीं चाहिए उसको वैल्यू नहीं चाहिए वो आप वहां पे वेरिएबल मेंशन कर दोगे। तो सपोज मुझे अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो जस्ट सिंपली टाइप ए प्लस बी प्लस सी एंड देन यूज सेमी कॉलन, और उसके बाद आपको करना है शिफ्ट की को होल्ड करके रखिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आ गया 29। सपोज उसके बाद मुझे करना है फाइंड करना है ए बी डिवाइड बाय सी की, ऊपर आपके पास ए और बी है और नीचे डिनोमिनेटर में है सी, तो हम क्या करेंगे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यूज करोगे ब्रैकेट ए इंटू के लिए, मल्टीप्लाई के लिए हम यूज करेंगे स्टार एंड देन बी, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे डिवाइड, तो यहां पर यूज करोगे डिवाइड सी, तो सी को भी आप चाहो तो ब्रैकेट में यहां पर मेंशन कर सकते हो सी, तो ये इनपुट है तो इसलिए सेमी कॉलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 8/5। सपोज आपको फाइंड करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ए स्क्वेयर, तो आपको जब पावर में वैल्यू देनी थी तो हमने किसका यूज किया था कैरेट का, कैरेट वाले सिंबल, कैरेट सिंबल का, तो ए, तो यहां मेंशन करोगे ए देन आप सिंबल यूज करोगे 2 मतलब ए स्क्वेयर, आपको प्लस इसमें करना है बी स्क्वेयर, तो बी देन दिस सिंबल 2 मतलब ये पावर में गया है प्लस, अब आपको चाहिए सी स्क्वेयर, तो आप क्या करोगे सी देन कैरेट और यहां पर आ जाएगा 2, तो इसके बाद आप क्या करोगे सेमी कॉलन, सेमी कॉलन एंड देन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो आपको आंसर मिल जाएगा 373। अब वैसे भी देखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 4 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो ये आपके पास आ जाएगा 373, तो ये हमें इसका आंसर मिल गया कि वैल्यू को अगर आपने इनको वैल्यू असाइन की थी। सो अब हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू 12 ना रहे, तो आप क्या करोगे यहाँ पर फंक्शन यूज करोगे किल एंड देन आप यहाँ पर लिख दोगे ए एंड आफ्टर दैट ब्रैकेट के बाहर आप यूज करोगे सेमी कॉलन और फिर से वही आप शिफ्ट को आप प्रेस करके रखोगे और एंटर कर दोगे, तो ये आ जाएगा डन, यहाँ पर लिखाएगा डन, दैट मीन्स अब ए की वैल्यू 12 नहीं है। तो अगर इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे, सपोज मैं अब फिर से ए बी डिवाइड बाय सी कैलकुलेट कर रही हूँ, तो हम क्या लिखेंगे ए स्टार बी, ऑब्वियसली ब्रैकेट यूज करनी थी हमें, तो यहाँ पहले ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट ए स्टार बी डिवाइड बाय सी, तो डिवाइड सी एंड देन यूज सेमी कॉलन, उसके बाद शिफ्ट एंड एंटर, तो अब 2a बाय आपके पास 15 आ गया। अब a की वैल्यू जो असाइन की थी वो यहां से रिमूव हो चुकी है, तो अब a एज अ वेरिएबल ही ट्रीट होगा, तो a की वैल्यू आप दोबारा असाइन कर सकते हो। और अगर आप यूज करोगे किल ऑल, किल और हमने यहां ब्रैकेट में लिख दिया ऑल एंड देन सेमी कॉलन और उसके बाद शिफ्ट एंड एंटर, तो ये फिर से यहाँ लिखाएगा डन, दैट मीन्स जो ए बी सी की वैल्यू जितने भी वेरिएबल आपने अभी ऊपर यूज किया उनकी वैल्यू जो असाइन की थी वो वैल्यू नहीं रहेगी। चेक करते हैं, चलिए फिर से हम ए बी सी डिवाइड बाय ए इंटू बी डिवाइड बाय सी कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली टाइप पहले ब्रैकेट यूज करिए देन ए स्टार बी डिवाइड बाय सी देन डिवाइड सी सेमी कॉलन होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो अब आ गया ए बी सी, मतलब ना अब ए की वैल्यू आपको है ना आपके पास बी की वैल्यू है ना ही सी की वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ यूज कर दिया था फंक्शन किल ऑल। सो इन मैक्सिमा सॉफ्टवेयर देयर आर सम इनबिल्ट कांस्टेंट लाइक पाई ई आयोटा, तो अगर हमें इन्हें यूज करना है मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में तो इसके लिए सिंबल हम क्या यूज करेंगे, अगर आपको पाई को यूज करना है तो इंस्टेड ऑफ दिस पाई हम यूज करेंगे परसेंट पी आई, एंड अगर हमें ई का यूज करना है, ई जो आपके पास पहले से इनबिल्ट कांस्टेंट है उसका अगर हमें यूज करना है मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में तो हम इसकी जगह यूज करेंगे परसेंट ई
एंड सेम विद आयोटा, अगर आपको आयोटा का यूज करना है तो आप यूज करोगे परसेंट आई. दैट मीन्स अगर हम इनपुट करेंगे मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में परसेंट पी आई एंड देन सेमी कॉलन, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर पाई. तो आउटपुट में यह मिलेगा आपको पाई. अगर हम इसे एग्जैक्ट लिखे तो आपके पास ऐसे होगा परसेंट इनपुट, सपोज फर्स्ट लाइन परसेंट पी आई एंड देन सेमी कॉलन, तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा फर्स्ट लाइन की वो मिलेगा यहाँ पर पाई. दैट मीन्स अगर आपको पाई यूज करना है तो वहां पर हम यूज करेंगे परसेंट पी आई, ई यूज करना है तो हम यूज करेंगे परसेंट ई, और आयोटा अगर आपको कहीं यूज करना है तो वहां यूज करोगे परसेंट आई. अगर आपने आगे परसेंट नहीं लगाया तो आई एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा, ई भी एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा. तो अगर आपको प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं तो इसके आगे हमें यूज करना पड़ेगा परसेंट. सपोज हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस पाई की, तो मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे कॉस एंड देन पाई की जगह आप यूज करोगे परसेंट पी आई, देन दिस ब्रैकेट क्लोज और यहां पर लगाओगे सेमी कॉलन. तो हमें आंसर में यहां पर ऐसे मिल जाएगा कि जहां पर आपने राइट किया है, सपोज फर्स्ट लाइन में फिर से ये आपके पास इनपुट है एंड देन आउटपुट आपके पास होगा आउटपुट ऑफ फर्स्ट लाइन दैट इज कॉस्ट ऑफ कॉस ऑफ पाई, आपके पास कितना होता है माइनस वन, तो यहां आपको मिल जाएगा माइनस वन. अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है सपोज ई की पावर पाई आयोटा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे अगर हमें इसको मैक्सिमा सॉफ्टवेयर में लिखना है. पहले ई, ई के लिए हम क्या यूज करेंगे दिस ई, इसके लिए आप यूज करोगे परसेंट ई. देन पावर है तो पावर के लिए हमें यूज करना था कैरेट सिंबल, तो हम ये यूज करेंगे. देन पावर में आपके पास पाई और आयोटा, तो पाई की जगह हम यूज करेंगे परसेंट पी आई एंड देन आयोटा की प्लेस में हम यूज करेंगे परसेंट आई, और हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम यूज करेंगे स्टार का. तो यहां ब्रैकेट में आपके पास आएगा परसेंट पी आई स्टार परसेंट आई, तो इसकी वैल्यू एंड में आप लगा दोगे सेमी कॉलन, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी दैट इज माइनस वन. तो आपके पास आउटपुट में यहां पे आ जाएगा माइनस वन, ये मिलेगा आपको आउटपुट में. और ये अगर हमने इनपुट दिया है सेकेंड लाइन, सो हम इसे चेक करते हैं मैक्सिमा सॉफ्टवेयर पर कि हमारे पास ये इनके आंसर आएंगे या नहीं. परसेंट ही और पाई है तो उसके आगे आप इसकी यूज करोगे परसेंट, जैसे परसेंट पी आई सेमी कॉलन एंड देन जस्ट होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो इसकी वैल्यू आपके पास होगी पाई. तो अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ई की पावर पाई आयोटा, तो ई आपके पास क्या, ई आप क्या यूज करना चाहते हो इनबिल्ट जो कॉन्स्टेंट है जो ई की वैल्यू होती है, तो हम यूज करना चाहते हैं तो हम क्या टाइप करेंगे परसेंट ई, तो ये आपके पास इनबिल्ट जो कॉन्स्टेंट है उसके यूज होगा वो. देन आपको इसकी पावर चाहिए, तो पावर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे थे कैरेट. एंड देन आपको चाहिए पाई आयोटा, तो पाई और आयोटा को आपको मल्टीप्लाई करना है, और पाई भी आपके पास क्या है इनबिल्ट कॉन्स्टेंट और आयोटा भी क्या है इनबिल्ट कॉन्स्टेंट. तो पहले या तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, तो पाई इनबिल्ट कॉन्स्टेंट है तो उससे आगे आप यूज करोगे स्टार, और पाई के लिए पी आई. देन मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के लिए हम यूज कर रहे हैं स्टार. देन आपको चाहिए आयोटा, आयोटा क्या है प्री बिल्ट जो आपके पास पहले से है इनबिल्ट कॉन्स्टेंट है, तो उसके पहले हम यूज करेंगे परसेंट, सो वी टाइप परसेंट एंड देन आई. तो ये अब आयोटा के एज अ आयोटा ट्रीट करेंगे, जो आपके पास प्रोग्राम है इसको एज अ आयोटा ट्रीट करेगा. तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो जस्ट एंड में हम यूज करेंगे सेमी कॉलन, और उसके बाद जस्ट प्रेस द शिफ्ट की, होल्ड द शिफ्ट की एंड प्रेस एंटर, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन.